संतप्त मानस शांत हम जिनके गुणों के गान में कल 37वें कलश पर चर्चा हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्णादि और रागादि भाव ये भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। यदि हम भगवान आत्मा को अंतर्दृष्टि से देखें तो ये आत्मा में दिखाई नहीं देते हैं। ये बात कहने पर शिष्य के चित्त में एक शंका खड़ी हुई थी कि यदि ऐसा है तो फिर अन्य ग्रंथों में, गोमर सारादि ग्रंथों में उन्हें जीव के क्यों कहा गया है। ग्रंथांतरे लिखा ना, तो अन्य ग्रंथों में तो जहाँ भी कहा हो वहाँ समझ लेना कि अकेले गोमर सार से ही मतलब नहीं है। जिन जिन ग्रंथों में नए चक्र में भी कहा हो किसी नए से तो उसे भी समझ लेना, और समय सार और प्रवचन सार में भी कहा हो दूसरे नए से कहीं इनको जीव के, तो उसे ग्रंथांतरे माने अन्य ग्रंथों में, वो पंचास्तिका भी हो सकता है, प्रवचन सार भी हो सकता है। कहने मतलब यहाँ आचार्यों में कोई मतभेद की बात नहीं है, इनको जीव के कहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो उसका उत्तर देते हैं 56 और 57वीं गाथाओं में हम पढ़े हैं व्यवहारेण दुए दे संबंधो नोदितस्य ताणि दु उवि योग गुणाधिको जम्मा वर्णादिको विवेहा अन्य ग्रंथों में जो इन्हें जीव के कहा गया है वो सब व्यवहार नय का कथन है। कल अपन ने इसमें चर्चा की थी कि वो व्यवहार नय का कैसे है, ये तो अशुद्ध निश्चय नय से इनको जीव का कहा है ना, अशुद्ध निश्चय नय है ना। तो ये प्रश्न खड़ा होता है चित्त में, इसका जवाब जयसेनाचार्य ने अपनी टीका में दिया है। समय सारा अनुशीलन है आपके पास, यदि आप रखा करे, नहीं हो तो वहाँ बाहर पर रखे हुए हैं बहुत से पुराने, वो अपन उनमें से ये जो है उठा के ले जाओ तुम अपने कमरे में एक एक। देखो इसका पेज नंबर निकालो 434 आत्मार्थी मोक्षु भाइयों के इस असमंजस को आचार्य जयसेन ने गहराई से अनुभव किया था। यही कारण है कि वे इन गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में स्वयं इस प्रकार की शंका उपस्थित कर उसका समाधान करते हैं, जो इस प्रकार है। ननु वर्णादयो बहिरंगा तत्र व्यवहारेण क्षीर निर्वत संश्लेष संबंधो हेतु न च अभ्यंतराणाम रागादीनाम तत्र अशुद्ध निश्चय नयेन भवितव्यम इति।
वर्णादि तो बहिरंग हैं, अतः उनके साथ आत्मा का दूध और पानी की तरह संश्लेष संबंध हो तो भले ही हो, किंतु जो अंतरंग हैं ऐसे रागादि के साथ तो आत्मा का संश्लेष संबंध नहीं है, क्षणिक तादात्म है। अतः यहाँ तो अशुद्ध निश्चय न कहना चाहिए, व्यवहार न क्यों कहा जा रहा है? ये प्रश्न नए चक्र पढ़ने वालों को भी उठना चाहिए और सबको ही उठना चाहिए, वास्तव में जो थोड़ा भी समझते हैं, जिनने समय सार को कई दफ़े पढ़ लिया और फिर भी उनके चित्त में ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है तो समझ लेना उनने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि उनको ये प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि रागादि को यहाँ व्यवहार से कह रहे हैं जबकि अन्यत्र उन्हें अशुद्ध निश्चय ने से कहा है। उत्तर दिया, देखो, नैवम द्रव्य कर्म बंधापेक्षा यो असौ अशुद्धभूत व्यवहार नया व्यवहारस्तदपेक्षा तारतम्य ज्ञापनार्थम रागादीनाम अशुद्ध निश्चयो भण्यते। वस्तुतस्तु शुद्ध निश्चय नयापेक्षा पुनः अशुद्ध निश्चय नयोपि व्यवहार एव इति भावार्था। कहते हैं कि असद्भूत व्यवहार न से रागादि, जैसे असद्भूत व्यवहार न है ना, इसमें परद्रव्य के संयोग को कहा जाता है, तो उससे कुछ अलग टाइप का है ये बताने के लिए उसे अशुद्ध निश्चय ने कहा है। वो कहते हैं उससे भिन्नता बताने के लिए अशुद्ध निश्चय ने कहा है, लेकिन यदि परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा विचार करें अथवा शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा विचार करें तो ये रागादि भाव व्यवहार ही हैं। जिन्होंने नए चक्र पढ़ा है वे बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो चार प्रकार के निश्चय हैं और चार प्रकार के व्यवहार, तो चार प्रकार के व्यवहार तो व्यवहार हैं ही, लेकिन तीन प्रकार के निश्चयों को भी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार कहते हैं, ऐसी कथन पद्धति जनागम में है। तो वो उन्होंने यहाँ पर उदाहरण देकर के उस बात का समाधान किया। ऐसा ही एक प्रकरण नियम सार में भी आता है और नियम सार में वो प्रकरण ऐसा है, व्यवहार व्यवहार चरित्र अधिकार है ना, व्यवहार चरित्र अधिकार उसकी आरंभ की गाथाओं में ही है। वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन का निमित्त भगवान की दिव्य ध्वनि से समागत जो दिव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान है वो निमित्त है, माने इसका भगवान की दिव्य ध्वनि निमित्त है, माने इसका मतलब उपचार भगवान भी निमित्त हो गए और शास्त्र भी निमित्त हो गए और गुरु भी निमित्त हो गए, माने देव सास गुरु तीनों निमित्त हैं और वहाँ तो मुख्य रूप से जिनेन्द्र भगवान के मुख कमल से निकली हुई जो वाणी है उस तत्संबंधी तत्व ज्ञान को ही कहा है निमित्त। फिर आगे लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानियों को उपचार से अंतरंग निमित्त, अंतरंग हेतु माने निमित्त कहते हैं, यानी जिनवाणी में और ज्ञानी धर्मात्माओं में माने गुरु में उन्होंने ये भेद डाला है कि गुरु को अंतरंग निमित्त कहा है और जिनवाणी को बहिरंग निमित्त कहा है, जबकि अन्य जगह सब शास्त्रों में देवशास गुरु तीनों निमित्त ही हैं, उनमें अंतरंग निमित्त कोई नहीं है, क्योंकि अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोहिनी के छह छह उपसम उपसम को कहा। सम्मा दर्शन के निमित्तों की जहाँ चर्चा है तो उसके अंतरंग निमित्त बताया है इनका छह छह उपसम उपसम, जो भी जहाँ हो वैसा लगा लेना, और बहिरंग निमित्त बताया है देवशास गुरु के उपदेश को। तो यहाँ उसमें ही उनने दो भेद कर दिए, अंतरंग और बहिरंग।
माने शास्त्र को कहा बहिरंग निमित्त और गुरु को कहा अंतरंग निमित्त, और देव की तो चर्चा ही नहीं की। देव का तो उनकी अनुसार वाणी लिखी गई वो शास्त्र है, वो तो ठीक इसलिए है अभी देव मौजूद ही नहीं है, और उनकी वाणी भी हमको चाहे समर्षण में जाके उनके साक्षात सुने और चाहे लिख करके पढ़ें, वो उसको ही देव मानते हैं, कोई देव उसी रूप में ही निमित्त हुआ। अब हमारे सामने दो चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं आज के काल में, कि एक तो ज्ञानी धर्मात्मा गुरु जो आत्मानुभवी हो, और दूसरा ये शास्त्र जो भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखे गए हैं, दो निमित्त हो गए। तो इसमें मर्म की बात ये समझने की है कि अपने मोक्षुओं में एक बात चल रही है कि नहीं शास्त्र निमित्त नहीं होता है, तो गुरु ही निमित्त होगा। और उसके लिए ये कहा जाता है कि लिखो दौले समझ सुन चेत सयाने, उनने सुनने की बात लिखी है, पढ़ने की बात नहीं लिखी। समझ सुन, सुन लिखा ना, और भी कई बातें कही जाती हैं। एक तर्क और दिया जाता है कि शास्त्र में तो बातें लिखी हैं, उसका रहस्य तो ज्ञानियों के हृदय में होता है, ख्याल में है ना, ऐसा भी कहा जाता है। यानी शास्त्र के अध्ययन से सम्यक दर्शन नहीं होगा, शास्त्रों के अध्ययन से आप निर्णय करके और देशानुलब्धि का काम चलाना चाहें तो नहीं होगा, ऐसा कुछ लोग अपने यहाँ प्रतिपादन करने लगे हैं। लेकिन ये जो इसमें कथन है उसके हिसाब से वो बात सत्य नहीं है। यहाँ तो मुख्य रूप से उस वाणी को ही निमित्त कहा है, ख्याल में है ना, क्योंकि साक्षात देव अरहंत देव का संबंध तो उससे है। उसने लिखा उनके मुख से निकली हुई वो वाणी, हालांकि वाणी तो सर्वांग खिरती है लेकिन मुख शब्द का प्रयोग है तो मुख में समझ लेना, वो वाणी को उन्होंने मूल रूप से कहा, क्योंकि उसके साथ सर्वज्ञ सीधे जुड़ते हैं। और जो हमारे ज्ञानी धर्मात्मा हैं वो तो इस शास्त्रों के माध्यम से ज्ञानी बने हैं, उन्हें भी यह सर्वज्ञ की सीधी वाणी कहाँ उपलब्ध है। देखो एक बहुत मार्मिक बात समझना कि इस पंचम काल में कोई जीव सम्यक दर्शन लेके तो यहाँ पैदा होता नहीं है, और 8 वर्ष की उम्र के पहले किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है, और 8 वर्ष की उम्र के बाद जिसको सम्यक दर्शन हुआ है और किसी के देशानुलब्धि प्राप्त की है तो उसे वो याद भी रहेगा। तो अभी यदि हम शास्त्र को नहीं माने तो ज्ञानी गुरुओं का सर्वत्र उपलब्धि बहुत कठिन है, अपेक्षाकृत शास्त्रों की उपलब्धि सरल है कि नहीं। शास्त्र 24 घंटा आपके साथ रह सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, और ज्ञानी तो हमेशा आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, और कोई ज्ञानी सशरीर उपस्थित हो उसकी उससे क्या है, वे बोले नहीं यदि, वे मौन रखें हैं, जब वे बोले तब आप उपस्थित नहीं हो। लेकिन शास्त्र तो आपकी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, यदि आप रोजिना 4 या 8 घंटे स्वाध्याय करना चाहते हैं तो शास्त्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। गुरु 8 घंटा आपको कहाँ मिलेंगे, छोटा मन स्मारक की बात अलग है कि यहाँ पर 8 घंटा क्लासें चलती हैं, है ना, और फिर भी उनको फिर आप हर एक में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ऐसे कर करके रिजेक्ट कर देंगे। तो कोई सम्यक ज्ञानी गुरु जिसे आप कन्फर्म माने वो आपको 24 घंटा निरंतर समझाता रहेगा, ये संभावना तो अत्यंत क्षीण है। गुरुदेव की उपस्थिति में भी मान लो कि जो भी उन्होंने बताए 2-4 उनको मान लो तो वे भी हर एक को हर जगह कहाँ उपलब्ध हैं। तो उस नियम सार में भी वहाँ जैन भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को ही उन्होंने निमित्त कहा, और वो सूत्र रूप में है, उसको उन्होंने तत्व ज्ञान शब्द दिया, तत्संबंधी तत्व ज्ञान, यानी उसका मतलब है वाणी रूप में हो, लिखित रूप में हो, हैं, कागज पर लिखा हो, तार पत्र पर लिखी हो, संगमरमर पर लिखी हो, माने कोई आप कहीं एक जगह ना अटक जाए, ख्याल में है ना, उसको कहा।
फिर उसी में एक पंक्ति बाद नहीं, उसी पंक्ति में ये लिखा कि उन उसके रहस्य को जानने वाले ज्ञानी जन भी अंतरंग हेतु हैं, क्योंकि उनके दर्शन मुख का छयादिक है। छयोपम तो चौथे कल्या काल की अपेक्षा ही बात है ना कि उनके हैं और उसके अंतरंग कहा, लेकिन यहाँ तो कहा कि ये छयादिक निमित्त हैं और वहाँ लिखा उपचार से। इससे मालूम पड़ता है कि वो जो लिखने आचार्य हैं वो अंदर से कितने आंदोलित हैं, भाषा देने के लिए उनको एक शब्द जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर बात ढल जाएगी, एक तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है बात उधर चली जाएगी। वो कोई बैलेंस में कोई बीच में बात कहना चाहते हैं, और जबकि शास्त्रों में तो मैंने अभी आपको बताया कि अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोहिनी के छह छयोपम उपशम को ही कहा है, क्योंकि अन्वय वितरेक उनके साथ घटित होता है, व्याप्ति जो है उनके साथ घटित होती है। कि यदि उनके छह छयोपम उपशम होंगे तो नियम से सम्मय दर्शन होगा, और नहीं होंगे तो नियम से नहीं होगा। सम्मय दर्शन नहीं होगा तो नियम से वो छह छयोपम उपशम में से कुछ ना कुछ होगा ही। उनका अन्वय और वितरेक दोनों जगह घटता है, और ये देव और गुरु ये बहिरंग निमित्त हैं, इनका अन्वय वितरेक निरंतर नहीं घटता है, इसलिए बहिरंग कहा है। अब बहिरंग में फिर ने अंतरंग और बहिरंग दो भेद कर दिए क्या, तो ऐसा उनने क्यों किया? तो ऐसा उनने इसलिए किया, गुरुदेव ने भी लिखा है और उसके बाद मैंने भी काफी स्पष्टीकरण उसमें किया है कि वो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बताना चाहते हैं, शास्त्रों का और उसे समझने वाले समझाने वाले आत्मज्ञानियों में निमित्तता में जो अंतर है उसे स्पष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कोई दूसरे शब्द नहीं मिले तो उन्होंने उसको अंतरंग निमित्त कह दिया। लेकिन आपको जो अन्य शास्त्रों से विवाद ना हो जाए और अन्वय वितरेक घटित न करने लग जाए आप, इसलिए उसको उनने उपचार से लगा करके थोड़ा ढीला कर दिया कि उपचार से। आपने और जगह देखा है ऐसा प्रयोग कई शास्त्रों में है, सब श्रावकाचारों में होगा, रतंगम श्रावकाचार में तो स्पष्ट है कि दिग्वृत्त की मर्यादा के बाहर उनके अणुवृत्त महावृतायते महावृत जैसे हो जाते हैं, महावृत हो जाते हैं है, याद है पढ़ा कभी? फिर कहता हूँ सुनो, वो कहते दिग्वृत्त की मर्यादा, दिग्वृत्त की मर्यादा समझ गए ना, कि हमने नियम ले लिया कि हम सारे हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे सारी जिंदगी। तो वो कहते हैं कि वहाँ जो हमारा अहिंसा वृत्त, तो जैसे यहाँ महावृत्ति मुनियों का पलता है उससे भी ज़्यादा बढ़िया पलता है, क्योंकि मुनि तो चलेंगे एरिया समिति पूर्वक तो अभी एक जीव का घात हो ही जाएगा, हम तो वहाँ जाएंगे ही नहीं तो एक भी जीव का घात नहीं होगा, एक भी शब्द हम वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी नए पैसे की चोरी हमारे द्वारा वहाँ नहीं होगी, वहाँ किसी माँ बहन की छेड़खानी हमसे नहीं होगी, परिग्रह भी हमारा वहाँ नहीं हो सकता। तो वो कहते अणुवृत्त महावृत आए थे, अणुवृत्त महावृत हो गए, तो महावृत हो गए नहीं लिखा, महावृतायते महावृतायते मन महावृतों के समान हो गए। तो क्यों समान क्यों लिखा, फिर महावृत ही कह दो ना, कि बाही में हिंसादिक नहीं होने का नाम महावृत नहीं है, वहां तीन कषाय का अभाव होना चाहिए ना, तो उनके दो ही कषाय का अभाव है और प्रत्यक्ष वर्ण कषाय का अभाव नहीं है, इसलिए महावृत तो नहीं कह सकते, तो उपचार से महावृत हो गए ऐसा कहेंगे बस। तो ऐसा कही क्यों जो झगड़ा खड़ा हो जाए, कि जरा दिग्वृत्त की महिमा बताने के लिए कि हमको क्यों बांधते हो, हमको क्यों बांधते हो, तुम इसके बाहर नहीं जाओगे ऐसी प्रतिज्ञा करो, इसके बाहर नहीं जाओगे ऐसी प्रतिज्ञा करो, हमको ऐसा क्यों बांधते हो? तो उसके जवाब में दिया कि भैया तुम बाहर महावृत्ति जैसे हो जाओगे। तो ऐसा होता है,
कि अंदर हम महावृत्ति नहीं है और बाहर महावृत्ति हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। वो सिर्फ उस वृत्त की महिमा बताने के लिए ये बात कह दी, और आप उसको आगम प्रमाण ले लेकर के झंडा लेके घूमो और उन्हें महावृत्ति मान लो तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे आर्यिकाओं को भी महावृत्ति कह दिया, महावृत्ति हो ही नहीं सकती है, वो पंचम गुण स्थान से जब ऊपर नहीं होता है उनके तो महाव्रत कैसे हो जाएगा। क्यों? कि भाई महिला जितने ऊपर जा सकती थी भाई उतना ऊपर चली गई, बस इसलिए उनको महावृत्ति कह दिया। तो ये सब उपचार के कथन हैं और इनको ले ले करके झंडा ले करके आर्यिकाएं अपने को मुनियों जैसा पुजवाना चाहती हैं। और ऐसे कहीं कहीं जो जिस अपेक्षा से जो बात कही है उसको नहीं समझ कर और अपने मन का अर्थ करना वो अच्छा नहीं है। तो उसमें क्या कहा कि अंतरंग और बहिरंग ऐसा कह के जिनवाणी से जो तत्वज्ञानी गुरुओं में अंतर है वो बताने की कोशिश की है। तो क्या अंतर है? ये अंतर तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जिनवाणी 24 घंटा आपको उपलब्ध है, हैं? इसलिए प्रयोजन सार में उसे नित्य बोधक कहा है। गुरु हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते हर एक को, और जिसको उपलब्ध है उसको भी 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, हैं? तो इसलिए जिनवाणी की सर्व सुलभता है। इस दृष्टि से जिनवाणी की बात तो हो ही गई। यदि अब जिनवाणी को हम बिल्कुल निमित्त नहीं माने तो फिर हमारे वो समझ लीजिए कि किसी को सम्मत दर्शन होना है और निमित्त की कमी से भी उसे होना रुक जाएगा। अब मैंने कहा निमित्त तो हमेशा हाजिर रहता ही है ना, तो कोई ज्ञानी गुरु कहाँ से हाजिर रहेगा हमेशा, लेकिन जिनवाणी तो हमेशा हर जगह हाजिर रहेगी ना। अरे अभी बहुत से लोग जो अपने यहाँ बोलते हैं ना तो कि भाई अपने गुरुदेव को कौन गुरु थे, क्योंकि जब थानकवासी संप्रदाय में पैदा हुए तो अपने दिगंबर मान्यता के अनुसार वहाँ तो सम्मा दर्शन सहित पैदा होने का सवाल ही नहीं है। वैसे ही पंचम काल में यहाँ सम्मा दर्शन सहित पैदा नहीं होते हैं, और 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई ऐसा गुरु ज्ञानी उनके अपन आता नहीं जो कह दो, तो अपन कैसे हुआ फिर? तो फिर अपन यही तो कहेंगे जिनवाणी को समय सार पढ़ के हुआ। अब उससे बचने के लिए वो पहले भव का वो याद आ गया, स्मरण हो गया, और फिर वो सारी हम कहानी को गढ़ते हैं क्या? लेकिन भाई आगम से हो सकता है, एक तो ये बात है, मेरा मतलब समझ गया ना, वो जो बात कही जाती है वो भी सत्य होगी, उसमें मुझे कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यदि इस वजह से आप उधर की तरफ जा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को अपने लिए सम्मति घोषित करने के लिए एक कहानी गढ़नी पड़ेगी कि मैं भी वहीं किसी तीर्थंकर के समोषण में था और मुझे भी जाते स्मरण हो गया, है ना? नहीं तो वो सम्मति नहीं कहलाएगा। तो मुझे उनकी उस बात में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक जनरल रास्ता है, खुला है। मैं खुला रखना चाहता हूँ ऐसा नहीं, जिनवाणी के हिसाब से खुला है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये उनकी उस बात का विरोध करने के लिए ये बात कह रहे हैं, वो तो नियम सार में लिखा है, उसका अर्थ समझा रहा हूँ मैं। तो फिर उनने उसको अंतरंग क्यों कहा? तो उनने कहा कि जिनवाणी में सहज सुलभता होने पर भी उसका अर्थ निकालना उतना सहज सुलभ नहीं है, ख्याल में है ना, क्योंकि वो जिनवाणी तो सब जीवों के लिए लिखी गई है, तुम्हारी पात्रता देख के तो लिखी नहीं है, वो तो प्राकृत भाषा में लिखी है, संस्कृत में लिखी है। अब तो हिंदी गुजराती कन्नड़ जानते हो, वो जानते नहीं संस्कृत प्राकृत, तो वो गुरु तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देगा, तुम्हारे स्टैंडर्ड को समझता है कि तुम्हें कितना अध्ययन है। तुम कहोगे मैं शास्त्री हूँ तो आपकी प्रश्न का जवाब अलग तरीके से दिया जाएगा, इतना ही कह देंगे हम कि अनुभव व्यतिरेक नहीं घटता इसलिए बात खत्म। क्यों? और जो नहीं है बिल्कुल जीरो स्वाध्याय है वो क्या जाने अनुभव, क्या जाने व्यतिरेक, तो उसको उस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो गुरु की दूसरी बात यह है कि वो आपकी पात्रता के हिसाब से समझा देगा। तीसरी बात यह है
कि दिनवाणी में बन में ट्रैफिक है, हम उनसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन उससे कुछ पूछ नहीं सकते, समझ में नहीं आए तो फिर गुरु से हम पूछ भी सकते हैं, उसे चर्चा नहीं कर सकते हैं, गुरु से तत्व चर्चा भी कर सकते हैं। तो इनकी अपेक्षा गुरु की निमित्तता से होना की संभावना ज्यादा है, तो इतना अंतर बताने के लिए उसे अंतरंग कह दिया, वैसे कोई अंतर नहीं है। ये ऐसा गुरुदेव ने भी लिखा है, उनको भी उनका कोटेशन भी मैंने लिखा है और मैंने भी ये सब बात वहां विस्तार से समझाई है। दोनों में से कोई एक एकांत मानने से तकलीफ खड़ी होती है, क्योंकि जिनवाणी की निमित्तता से इनकार हो जाता है, गुरु पे यदि एकदम उनके माध्यम से ही होगा, ज्ञानी गुरु के बिना होगा ही नहीं, तो वो निमित्तता खत्म हो जाती है जो है शास्त्र में, समझ नहीं ना आपकी में। फिर क्या होगा कि हम आप स्वाध्याय बंद करके ज्ञानी गुरु खोजते फिर वो। अभी आप क्या करेंगे कि यदि आपको संबोधन चाहिए तो जिनवाणी सब मौजूद है, गहराई से अध्ययन करने की तरफ जाएंगे और फिर कहेंगे जैसे पढ़ने पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए चलो ज्ञानी गुरु को खोजो। और ज्ञानी गुरु तुम्हें मिल नहीं सकते, क्यों नहीं मिल सकते कि एक तो लेयर है, वो कल दादा ने बताए थे ना, जय जय पंडित उपसमी क्षय उपसमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, ये अवस्था होती रहती है। देखो छायक संबंधन तो पंचम काल में होता नहीं, और उपसम सम्यक दर्शन जब सबसे पहले होता है ना, तभी वो होता है जिसमें वो कैन लब्धि होती है और उसका अंतर्मुहूर्त काल है, तो उपसम सम्यक दृष्टि की तो निमित्तता संभव ही नहीं है, वो तो उपयोग बाहर आते ही या तो मिथ्यात्व हो जाएगा या छाय उपसम सम्यक दृष्टि हो जाएगा या छायक वाला हो जाएगा। अंतर्मूर्त भी बहुत, उन्होंने कहा क्षण माई, तो एक क्षण का भी अंतर्मूर्त होता है, तुम क्षण माई कैसे लिख रहे, उसका जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है ना, संयोगसम का उत्कृष्ट भी, तो अंतर्मूर्त क्षण, एक क्षण का भी अंतर्मूर्त होता है। अब असली बात रह गई छयोगसम वाले, और छयोगसम वाले की ये दशा बताई है, वो बार बार थोड़ी उसे कहन लब्धि करनी पड़ती है, एक दफा संबंधन हो गया फिर छयोगसम हो गया तो वो मिट जाता है और हो जाता है मिट जाता, उसे बार बार लब्धि उसमें नहीं, कर्ण लब्धि में नहीं जाना पड़ता। तो ऐसी गुरु की उपलब्धता कठिन, फिर ये निर्णय करना कठिन कि इसे अभी संबंध दर्शन है कि नहीं, जब हमें समझा रहा पहले के संबंध से काम चल जाएगा कि बाद के से चल जाएगा, आप तो कहो कि नहीं होना चाहिए, तो अभी उसका निर्णय करना संभव नहीं है, और अज्ञानी के पास ऐसी कसौटी नहीं है कि वो समझ सके। वैसे तो केवल ही ज्ञान गम है, और कोई ज्ञानी जान भी ले लेकिन ऐसा ऐसा वो ऐसा बैठा होगा थोड़ी जान लेगा, ज्ञानी कुछ बोलेगा कुछ उसका कोई चीज देखेगा उससे ही तो अनुमान करेगा ना, सकल से थोड़ी कोई ज्ञानी पहचान सकते हैं कि ये सम्मान दृष्टि है ये मिथ्या दृष्टि है क्या। गुरुदेव के बारे में भी यही आता है कि जिन जिनको उनने कहा, सहज बहुत सरल आदमी थे, उनको दिखी पात्रता बिल्कुल ऐसी परिणति दिख रही सम्यक दृष्टि जैसी, उन्हें हाँ कह दिया, फिर कहीं दूसरे चौथे दिन महीना दो महीना साल दो साल बाद उनको कोई परिणति ऐसी दिखी कि जिसके हिसाब से नहीं होना चाहिए था तो उन्हें ना भी कह दिया फिर, और फिर परिणति वैसी दिखी तो फिर भी हाँ कह दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कईयों के बारे में कई दफे उन्होंने हाँ और ना कहा, और इसलिए वहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा भय का वातावरण रहता था, कोई क्लास नहीं लेना चाहता था सोनगढ़ में, वहाँ कोई बोलना नहीं चाहता था कि कोई ऐसी मेरी बात निकल गई और गुरुदेव तक पहुँच गई और उसकी वजह से उनने यदि कोई कमेंट्स कर दिया तो मेरी डिग्री छिन जाएगी। तुम्हारे शास्त्री हो गए ना, अब जिंदगी में वो डिग्री छिनने वाली नहीं है तुम्हारी एक एक गलती से, लेकिन वो तो ऐसी है कि किसी समय भी छिन सकती है, किसी समय भी आ सकती है, वो ज़्यादा वो बात नहीं है, मेरा मतलब संभव नहीं है, एक एक क्षण में
किसी का निर्णय करना, तो वो ज्ञानी गुरु की पे ही हम ज़्यादा वजन दे देंगे, उसके बिना नहीं होगा। तो फिर आप ज्ञान आप ढूंढते फिरो, और अज्ञानी ज्ञानी गुरुओं को कैसे खोज लेगा? ढूंढोगे तो तुम, कैसा वो कोई ज्ञानी बताएगा? तो वो ज्ञानी है पहले उसकी तो नक्की करो, क्यों? और उसका नक्की कैसे करोगे? क्योंकि क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, कौन से चिन्ह है? कैसा वो प्रसन्न संवेग आस्ते को अनुकंपा, बहुत स्थूल बातें हैं, आप समझे ना, उनके आधार पर हम निर्णय कर लेंगे। ऐसा वो द्रविलिंगी मुनि होता है ना, उसकी वाणी में एक अक्षर की गलती नहीं होती है, और उसका आचरण इतना निर्मल होता है कि तुम उसे कैसे निर्णय करोगे कि मिथ्या दृष्टि है। लोक में भी किसी परीक्षा बोर्ड को, यूनिवर्सिटी को, किसी को कोई डिग्री देने का अधिकार है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम चार्ज कोई चार्ज है चार्ज इसको चार्ज इसी डिग्री बांटते फिर हैं। तो इसलिए यदि हम एक मान लेंगे तो हमारा जो प्रयत्न है वो स्वाध्याय में लगना चाहिए, जिसके लिए 86वीं गाथा में प्रचंसार में कहा है ना, क्या तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष आजन शास्त्र से दीर्घ मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। उसकी प्रेरणा खत्म हो गए और फिर बस भागते फिरो, दौड़ते फिरो यहाँ वहाँ ज्ञानियों की खोज में, क्यों? क्षण क्षण में शंका होगी, कोई उन्हें ज्ञानी कहेगा, कोई उन्हें अज्ञानी कहेगा, ये कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, ख्याल में आई ना? तो ये गलत प्रवृत्ति हो जाएगी। और यदि ये नहीं बताते उन्हें अंतरंग निमित्त फिर यहाँ क्यों कह रहे, वो इसलिए कह रहे हैं कि यदि सद्भाग्य से तुम्हें ज्ञानियों का सत्समागम है तो तुम्हारे चांस अकेले स्वाध्याय करने वाले की अपेक्षा बहुत कुछ बढ़ जाते हैं, ख्याल में ना, बहुत कुछ बढ़ जाते हैं। इसके लिए उन्होंने वो बात कही, और उन्होंने फिर उनको ये डर लगा कि ये सचमुच को इस बात को निश्चय नहीं समझ लें, तो व्यवहार तो वो है ही निमित्त की अपेक्षा कथन होने से, और उसमें भी उपचार लगा करके, माने उपचरित व्यवहार है, जो सबसे हल्का जो व्यवहार है ना उसको उन्होंने वहाँ पर जाकर डाला, कि उससे हम ये कहते हैं। तो उन्हें इतना सा अंतर समझाने के लिए, अब आप समझ लीजिए कि जिनवाणी के प्रतिपादन में कितने बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि जरा भी बैलेंस बिगड़ा, ख्याल में आया ना, तो फिर कोई ना कोई आभास में चला जाएगा, और उसकी शोध और खोज का रास्ता भी सही नहीं होगा तो फिर उपलब्धि होने की तो बात है ही नहीं। तो वो अपन ने छंद निकाला था ना, कहाँ पढ़ा ना अभी, देखो मैं पढ़ता हूँ। वर्णादि तो बहिरंग हैं, अतः उनके साथ आत्मा का दूध और पानी की तरह संश्लेष संबंध भले ही हो, किंतु जो अंतरंग हैं ऐसे रागादि के साथ तो आत्मा का संश्लेष संबंध नहीं है, क्षणिक तादात्म्य है, अतः यहाँ तो अशुद्ध निश्चय ने कहना चाहिए, व्यवहार क्यों कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म का जीव के साथ जो संबंध है वह असद्भूत व्यवहार न से है, क्योंकि वो परद्रव्य है ना, उसकी अपेक्षा तारतम्य दिखाने के लिए, उससे भिन्न दिखाने के लिए रागादि भावों को अशुद्ध निश्चय नय में लिया है, परंतु वास्तव में तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही है, उक्त कथन का यही भाव है, भावार्थ है। देखो ऐसा स्खलन पांडे राजमल जी जैसे विद्वानों से हुआ है, जिनकी कलश टीका की गीत गाते गुरुदेव थकते नहीं है, क्यों हुआ? कि अकेला ये जो कथन है ना, बस अकेला परम शुद्ध निश्चय नय ही नय निश्चय नय है, और इन तीन नयों को उनने किसी अपेक्षा निश्चय ही नहीं माना,
जबकि समय सार आदि सब ग्रंथों में, नए चक्र आदि ग्रंथों में, नए चक्र में ये लिखा है कि हमने ये समय सार के आधार पर नए चक्र लिखा है, समय सार के आधार पर नए चक्र लिखा है कि समय सार में ऐसा नयों का वर्णन कहाँ है, ये आप नहीं, बहुत मुश्किल है समझना। देखो जो डिक्शनरी वाले डिक्शनरी बनाते हैं ना, वैयाकरण वाले व्याकरण बनाते हैं ना, तो वो कहें कि हमने कालिदास के आधार पर व्याकरण बनाया, तो कालिदास ने तो कोई व्याकरण लिखा नहीं, कालिदास ने जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों को देख करके हमने ये व्यवस्थित रूप से दिया है। तो कुन्नकुन्नाचार्य ने, वो तो उनके पास तो अकेला गाथाएँ थी, तो गाथाएँ में जिस तरह के प्रयोग किए हैं उनको आधार बना करके हमने नए चक्र लिखा है। नयों का ग्रंथ उन्होंने लिखा होगा कुंद ने, ऐसा नहीं है, हैं? उन्होंने सातवीं गाथा में कह दिया व्यवहारेण बदस्यति, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, व्यवहार नय का कथन है, और वहां कह दिया कि व्यवहार नय कहता है कि जीव दे। उन्होंने कहा ये लोक में व्यवहार चलता है कौन सा, कि ऋषभदेव के दो पुत्र थे भरत और बाहुबली, इसका क्या होगा, और शरीर में ये शरीर मैं हूं ये तुम हो, ऐसा जो व्यवहार चलता है उसका क्या होगा। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया कि हम व्यवहाराभास से काम चला लेंगे। तो तुम्हें व्यवहाराभास की शरण में जाना पड़ा ये मालूम बात कैसी है, ये बात कैसी है, ऐसी बात है कि मैं पूछता हूं कि भगवान आदिनाथ के जमाने में सारा देश जैनी था, अब महावीर के जमाने में तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आदिनाथ के जमाने में तो अपन कह ही सकते हैं ना, धर्म था ही नहीं, भोग भूमि से कर्म भूमि आई थी, और सबसे पहले ऋषभदेव का तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने धर्म बताया, तो जितने भी धर्म बताया था वो सब जैनी थे। हालांकि मारीच ने फिर नया धर्म चला दिया था, लेकिन मारीच ने जब तक नया धर्म चलाया उसके पहले तो सब जैनी थे ना। तो अब मैं आपसे मानता हूं कि आप भी आज चाहते हो कि सारा भारतवर्ष यदि जैनी हो जाए तो अच्छी बात है ना, पक्की बात है, हाथ छाती पे हाथ रख कर कहना, नहीं तो राजमल जी जैसे फंस जाओ कि सारा जैनी भारत हो जाए, का मतलब यह है कि नाई धोबी भंगी चमार सब जैनी हो जाए, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ साहब आप तो यही है, उसमें क्या दिक्कत है, हमको तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, हो जाए अच्छी बात है। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि जैनी कौन कौन से धंधे कर सकता है, बोलो, नाई की दुकान खोल सकता है, धोबी की दुकान खोल सकता है, लेटरिन साफ करने का दूसरों की काम कर सकता है, जूते बनाने का काम कर सकता है, सेना में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है कि नहीं, नहीं साहब ये तो बिल्कुल किसी को स्वीकार नहीं है ना, जैनी को तो बिल्कुल अहिंसक धंधा करना चाहिए, तो शुद्ध सातक, बस कपड़े की दुकान करे, सोने चांदी का कर ले, हीरे जवाहरात का कर ले, क्यों बस ऐसे अच्छे अच्छे धंधे करना चाहिए ना, क्यों। तो मैं पूछता हूं कि फिर यदि जैनी ये नहीं करेंगे जूते बनाने का काम और बाल बनाने का काम, तो हम बिना जूतों के ही रहेंगे ना फिर, क्यों, और फिर बिना बाल बनवाए रहेंगे, जूते हम अमेरिका से बुलवा लेंगे, एक बाल बनाने भी अमेरिका जाओगे, क्यों। जब जैनी बाल बनाने का काम नहीं कर सकता, कपड़ा धोने का काम नहीं कर सकता, लेटरिन बाथरूम की सफाई नहीं कर सकता, सड़क की सफाई नहीं कर सकता, क्यों, तो फिर इसका मतलब है कि जैनियों का नगर तो गंदा ही रहेगा ना, पूरे जैनी जिसमें होंगे, कि नहीं हम अजैनियों को बुला लेंगे और उनसे ये काम करवा लेंगे, क्यों, तो फिर पूरा देश जैनी कैसे रहेगा, वे अजैनी यही बसेंगे कि स्वर्ग से आया करेंगे और चले जाया करेंगे, यही बस जाएंगे तो पूरा देश नहीं रहेगा। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती नहीं है, क्योंकि सोचने की शक्ति कुंठित हो गई है, थोड़ी बहुत अकल है तो उसे धंधे पानी में लगाना चाहते हैं, इसमें धर्म में लगाना ही नहीं चाहते हैं, ख्याल में आई ना, तो बात समझ में कैसे आए, सारा देश जैनी हो तो बहुत अच्छा लगता है,
अभिजय नहीं ये काम कर नहीं सकता है। ये बात अलग है कि हमारे पास यदि चुनाव है कि हम क्या धंधा करें क्या नहीं करें, तो हमको वो धंधे नहीं करना चाहिए। ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। सारा देश की जब बात आएगी तो उस देश में सेना होगी कि नहीं होगी? बोलो, आदिनाथ के पास सेना थी कि नहीं? भरत चक्रवर्ती के पास उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी थी कि नहीं? युद्ध के मैदानों में वहाँ हिंसाएं हुई थी कि नहीं? क्यों अजय नहीं ये कर सकता है? वो तो चिमटी को भी मार नहीं सकता है। तुम आदमी के मारने की बात करते हो, कैसे हो सकता है? किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो फिर मत छोड़ो ये बात है। दो परस्पर विरुद्ध बात लगती है ना। तो ये जब तक हमको आगे पीछे सब बात सोचने की शक्ति नहीं होगी, तब तक हम ये निर्णय नहीं कर सकेंगे। ना तो आत्मज्ञानियों का विरोध है, ना जुनवाणी का विरोध है। सवाल तो ये है कि हमें तो जिसके माध्यम से भी तत्व ज्ञान मिले, उस सबके माध्यम से हमें लेना है, स्वाध्याय करके लेना है। लेकिन हम ऐसे अति में न चले जाएं कि हमारी जो रिसर्च है, खोज है, वो एक दिशा उसकी बंद ही हो जाए। ऐसा हम नहीं करें। ख्याल में आई ना? ये है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं तो ये समझा दूंगा कि नहीं नहीं, अपने बच्चों को ये धर्म वर्म के चक्कर में नहीं डालना चाहिए, शास्त्री मास्त्री नहीं कराना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। अपना एक विद्यार्थी बम्बई से इधर आ रहा था ट्रेन में, उसके पिता साथ में आ रहे थे। तो अपने एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे कितने परसेंटेज नंबर हैं? उनका 92। तो तुम यहाँ क्यों आए? तुमको तो कहीं उसमें इंजीनियर से जाने दे। ये नाम बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ना मैं विद्यार्थी का नाम बताऊंगा, ना कहने वाले का नाम बताऊंगा। समझ गया ना? यार ये तू समझता है ब्रह्मचारी? ये कैसा ब्रह्मचारी है तूने? तू यानी प्रतिभाशालियों को जैन धर्म नहीं पढ़ना चाहिए, ये सलाह तू दे रहा है? तूने जीवन क्यों इसमें लगाया है? यहाँ सब सड़े गले लोग आए फैलाएं, प्रतिभाशाली नहीं आए। जैन धर्म प्रतिभाशालियों से बचेगा, कैसे सड़े गले लोगों से बचेगा? अरे दुनिया में और लोग कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन तुम तो इसे चला रहे हो। क्यों मेरे पास आए और मैं ही कहूँगा तू कहाँ फंस गया बेटा, तू तो जा इंजीनियर डॉक्टरी में चले जाए, काय को आ गया है? बोलो क्या? यानी सवाल उसका नहीं है कि तुमने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तुम्हारे बच्चे की समस्या हो और तुम्हें नहीं पढ़ाना हो तो 100 रुपये मत पढ़ाओ। लेकिन ये दूसरे बिल्कुल अपरिचित आदमी के साथ ऐसी बात करना, यानी तुम्हारी मान्यता क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी इन सब सेठियों को, इन ब्रह्मचारियों को मेरे विद्यार्थी 5-5 साल पढ़ाएंगे, इतनी योग्यता रखते हैं। उन्हें उनकी क्लास में आगे बैठ के पढ़ना पड़ेगा कि धर्म क्या है और वस्तु का स्वरूप क्या है। वे कहाँ खड़े हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या सोचते हैं और उनका स्वरूप क्या है।